हर का अपना अपना सबका त्यौहार का अलग अलग कुछ ना कुछ खासियत है, सारे त्यौहारों की खासियत। तो त्यौहार तो रिलीजियस है, सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, वो तो है ही। उसमें हम लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार से आप भी उसके लिए हैं और हम भी हैं, तो प्रशासन हो चाहे आपको, हम सब मिल के ही समाज बनता है। समाज में चाहे समाज का एक एक छोटा छोटा एक एक सदस्य है से लेके और बड़े बड़े अधिकारी तक, सब मिलकर ही समाज का गठन होता है। या फिर लेबर हो, या फिर समाज में यूँ समझिए कि हम जो जानवर पालते हैं वो भी समाज का हिस्सा है, हम भी उससे जुड़े हुए हैं। अब जानवर भी कोई भी तो अन्यासिक संबंध है। आप कुत्ते को खिलाते हैं, कुत्ता आपकी रखवाली करता है, है ना। गाय को खिलाते हैं, गाय दूध देती है। भैंस को खिलाते हैं, भैंस दूध देती है। गधे को भी खिलाते हैं, आपका सामान ढोता है। समाज तो सबसे मिलकर बनता है। तो समाज का मतलब काफ़ी बड़ा होता है। इवन पेड़ पौधा है जिससे हम उपज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चाहे अनाज खाते हैं, सब सब समाज का हिस्सा है। समाज में मिला के सारा फ्लोरा और फौना सब समाज का हिस्सा है। तो इसमें जो हमारी स्थिति है कि कानून भी बना हुआ है, तो कानून से भी हम सब बधे। मोबाइल में मिलेगा तो उसको फॉलो कीजिएगा, जो गाइडलाइन सरकार देती है उसके लिए हम अभी स्पेशली कोई हमारी तरफ से कुछ कहना उचित भी नहीं है, जब तक गाइडलाइंस अच्छी तरह सबके पास ना पहुंचे। कानून कहती है कि मान लीजिए हम कुछ भी करेंगे, कहीं भी स्लॉटरिंग करेंगे, स्लॉटरिंग हाउस में करेंगे, बूचर खाने में करेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे। MCD कहती है कि गंदगी कहीं फैलाए तो MCD का चालान होगा, वो हेल्थ का इशू है। जब अगर कोई बूचर खाने से बाहर कहीं आप किसी भी जानवर को मारते हैं या पीटते भी हैं, चोट भी पहुंचाते हैं, सब उसके लिए क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट बना हुआ, कानून बना हुआ है। तो कानून से हम सब जुड़े पड़े हैं, उसमें कि कानून क्या कहती है। तो है कि अनुन्यासित संबंध है हमारा, आपका है कि संबंध में कि जो गाइडलाइंस कहती है आप उसको फॉलो करें, हमारा गाइड फॉलो करवाना। तो उसमें कहीं भी विचार में मतभेद ना हो, किसी के विचार में कंट्राडिक्शन ना हो। जो गाइडलाइंस कहे कुछ और, आप कहें कुछ और करेंगे, हम कहें हम कुछ और करेंगे, तो वो नहीं। जो गाइडलाइंस कहती है वही आप भी माने, हम भी माने, और मतलब कानून जो कहती है उसका पालन करें, ये करते चले तो कोई समस्या नहीं। आप लोग जो जैसा भी त्यौहार, मोहम्मद इमरान है। इमरान, आज संगम विहार थाने में कई मदरसे और मस्जिद के इमाम और मौजी जी लोग, यहाँ पर कुछ नौजवान भी आए हैं, SHO साहब से मीटिंग हुई, जो 29 तारीख को बकरीद है, ईद उज़ुहा है, उस पर जो है कुर्बानी को लेकर क्या डिस्कशन हुआ और क्या मैसेज देंगे आज के नौजवान जो मुस्लिम हैं, युवा हैं, उसको? हमारे SHO साहब ने जो डिस्कशन कराया वो यही कराया कि जो भी लॉ एंड फोर्स है उसे अच्छे से फॉलो करें, जो भी गाइडलाइंस हैं MCD की, जो प्रशासन की गाइडलाइंस हैं उन्हें अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए, है ना। और जो भी हम परमिशंस लेते हैं MCD से या फिर हम पुलिस से, जो DCP साहिबा से लेते हैं, उनको परमिशंस वगैरह अगर अभी तक नहीं लिए तो जल्द से जल्द ले ली जाए, ठीक है। और बाकी इंतज़ाम किया जाए कि जो भी आप प्रबंध करें वो बंद कमरे में करें, ठीक है। और यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। जिस तरीके से नौजवान जो है, जैसे कुर्बानी होता है वीडियो बना के कहीं ना कहीं वायरल कर देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहूँगा, ये जो नौजवान हैं, जो जिन्हें पता नहीं है कि कुर्बानी का मकसद क्या होता है, तो वो लोग ही ऐसा करते हैं। मेरी सब नौजवानों से यही गुजारिश रहेगी कि ऐसा कोई भी ना करें, हरगिज़ ना करें, कहीं का भी कोई भी अपने जानवर की वीडियो तो खैर लेना ही नहीं चाहिए, कुर्बानी के जानवर की ना कोई वीडियो लें, ना कोई फ़ोन में रखें अपने, ना उसे स्लॉट करते हुए या फिर उसकी कुर्बानी करते हुए कोई उसकी लें, या फिर खुले में गोश्त का भी ना लेके जाएं। मैं तो यही प्रेफर करूंगा, बाकी बंद ढक्के ही करें सारा। दिल्ली पुलिस जो SHO हैं संगम बिहार के, सरोज तिवारी जी, एक मीटिंग की है, कितना अच्छा लगा, क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में? सर ने जो भी मीटिंग करी बहुत अच्छा लगा, सर की बातें बहुत अच्छी लगी। सर ने जो बहुत अच्छी बात बोली लास्ट में कि मीटिंग का मकसद ही यही होता है कि एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे से बात कर सके, टू वे कम्युनिकेशन हो, जिसे बोलते हैं कि हम अपनी बात को कह सकें आपसे और आप हमसे अपनी बात को कह सकें, ताकि हम अगर कुछ करना हो या फिर कुछ एक्शन लेना हो तो हम आगे फॉरवर्ड कर सकें या फिर उस पर तैयारी कर सकें और आप भी समझ सकें कि
प्रशासन की क्या गाइडलाइंस हैं या फिर प्रशासन का क्या रूल्स है कुर्बानी को लेके या फिर त्यौहारों को लेके, यही इसका मकसद। आप दिल्ली पुलिस से क्या उम्मीद रखते हैं त्यौहार के दिन? दिल्ली पुलिस से यही उम्मीद रहेगी कि सहयोग करें और हमेशा सहयोग जैसे मिलता ही है हमें, हमेशा जैसे हम हर साल ही करते हैं। बहुत टाइम हो गया मुझे संघ बिहार में, यहाँ से बचपन मेरा पूरा गुजर गया, मैंने देखा है दिल्ली पुलिस से अभी तक तो पूरा सहयोग मिला है और उम्मीद है कि आगे भी यही सहयोग मिलेगा सर की अगुवाई में। मोहम्मद मिराज खान। मिराज जी, जिस तरीके से र्यूमर फैल रहा था कि LG या दिल्ली पुलिस कुर्बानी को रोक लगा रहे हैं, आज जिस तरीके से खुद संगम बिहार थाने के SHO के साथ मीटिंग हुई, कितना अच्छा लगा और क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा रहा। वैसे आज उर्दू अखबार में एक रिपोर्ट आई है कि MCD में आल मोहम्मद इकबाल साहब ने कल ऑफिसरान की मीटिंग बुलाई थी और इस चीज़ को बिल्कुल उस मीटिंग में क्लियर कर दिया है कुर्बानी पर कोई रोक नहीं है। हाँ, ये गाइडलाइंस आई है और ये बहुत ही मुनासिब है, माकूल बात है। हर एक चीज़ समझने की बात है कि साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचे इसका ख्याल रखा जाए और किसी को तकलीफ न पहुँचे पर्दे का ख्याल रखा जाए ताकि खुले में ना हो। इन सब चीज़ों को जो है कि गाइडलाइन में लाभ शामिल किया गया है और इसको फॉलो किया जाता है, उन सलाहदार फॉलो किया जाएगा। रही बात हमारे सर साहब की, तो हम उनके मुबारकबाद उनको देते हैं और काफ़ी पोलाइटली उन्होंने गुफ्तगू करी है और बेसिकली उन्होंने बहुत सी दो तीन बहुत ही पॉइंटेड बातें करी हैं कि जो समाज जो होता है बहुत कीमती होता है और ये समाज मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलकर बनता है। उसमें जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, जो शासन में बैठे लोग होते हैं, जो प्रशासन में बैठे लोग होते हैं, मुख्तलिफ मज़हबों के लोगों से जुड़े हुए लोग होते हैं, सबसे मिलकर समाज बनता है। हम सब की एक जो है कि इज्तिमाई और जो है कि इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हम सबकी भावनाओं का, सबकी जो है कि एहसास का, जज्बात का ख्याल करें और अपने जो हमारे पार्ट ऑफ रिलीजन है कुर्बानी करना, इसको फॉलो करें और किसी को तकलीफ न पहुँचाएँ इसका ख्याल करें। बकरीद के मौके पर SHO संगम बिहार के लिए क्या मैसेज देंगे? जैसे उन्होंने मैसेज दिया, अपनायत का एहसास कराया कि सिर्फ एक अच्छे ऑफिसर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं, तो हम सब की भी जिम्मेदारी और हम सभी इनसे वादा करते हैं इंशाल्लाह जो है हम एक अच्छे मुल्क के अच्छे शहरी की तरह से अपना व्यवहार रखेंगे, अपना एक्टिविटी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से उनको शिकायत ना हो।